पटाखों के धूम धड़ाके के साथ, नाच गाने के धमाल के साथ आ गए हैं दयाबेन के बापा। जेठालाल के मंगल मूर्ति और गोकुल धाम के गणपति बाप्पा। गणपति के आगमन के साथ ही पूरा गोकुल धाम भक्ति से भर गया है। बाप्पा की आरती उतारी जा रही है, उनका वंदन किया जा रहा है। पूरा गोकुल धाम कर रहा है बाप्पा की जय जयकार। वही सीरियल तारक मेहता की गोकुल धाम सोसाइटी में हर साल गणेश चतुर्थी पूरे धूमधाम से की जाती है, तो इस बार भी टप्पू सेना ने कुछ न कुछ तो प्लान किया होगा। अभी तक हमको भी नहीं बताया टप्पू सेना ने, इसलिए वो तो टप्पू सेना हर बार कुछ कुछ नया करती रहती है। थोड़ा अभी राज रखा है, थोड़ी देर के बाद पर्दा खुलेगा तो हमें पता चलेगा। सजावट अभी पूरी तरह हुई नहीं है, लेकिन टप्पू सेना ने बहुत जबरदस्त सजावट की है, बहुत ही जबरदस्त, और उसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है, खर्चा भी बहुत किया है भाई, ऐसी भी मेहनत काफी की है। टप्पू सेना ने अगर पंडाल सजाने में जी जान लगा दी तो दया और जेठा अपने लुक को निखारने में जुट गए। गुजराती गरबा क्वीन आज मराठी मुलगी बन गई है। जेठालाल ने सजा ली है सर पे केसरिया पगड़ी। गणपति बप्पा मोरिया। जैसा आपने कहा है ना, जैसा देश वैसा भेष, फिर क्या करना। देश मतलब हम तो इसी देश के वासी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रांत है हमारा महाराष्ट्र, तो इसलिए ऐसा पहरवेश और साफा वाफा देख रहा है, बहुत बढ़िया। और तू तो एकदम क्या बोलते है, एकदम मराठी लग रही है। मुझे 5 रात से सपने आ रहे थे कि मैं कैसे सजूंगी। देवा रे देवा, आपने तो ऐसा मराठी लुक अपनाया है दयाबेन कि जेठालाल पर ही मराठी फीवर सवार हो गया है, और आपकी तारीफ भी पूरे मराठी अंदाज में कर रहे हैं। खूब चंद दिशते है, हाँ ये 9 वारी घर लिया है, और एकदम क्या संगते थे वेणी बेणी ये टक लिया है, वेणी वेणी, अरे वेणी टकली है ना माँ, ये तू इधर मुंबई में रहकर तुझे मराठी नहीं आती है, हाँ कब सिखेगी। अरे भाई जेठालाल, आज जय का दिन नहीं, आज तो पापा की जयकार का दिन है।